नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। गांव शेखुपरिया में कांग्रेस नेता चौधरी रंजीत सिंह का कार्यक्रम आयोजित। युवाओं ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर कांग्रेस नेता रंजीत सिंह का किया स्वागत। गांव में जनसभा को किया संबोधित। जनसभा के बाद मीडिया से हुए रूबरू। पूर्व सीएम हुड्डा व अशोक तंवर को एकजुट करने का प्रयास कर रहे रंजीत सिंह। पूर्व सीएम हुड्डा की जन क्रांति यात्रा पर रंजीत सिंह का बड़ा बयान। हुड्डा व अशोक तंवर दोनों कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में जुटे। भाजपा से लोगों का मोह भंग। प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। SYL के नाम पर इनेलो कर रही है राजनीति, बोले रंजीत सिंह। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। सभी पार्टियों के नेता अपने अपने हलके के लोगों के बीच में जाकर मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व हरियाणा योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष चौधरी रंजीत सिंह ने रानिया हलके में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में आज रानिया हलके के गांव शेखुपरिया में आज कांग्रेस द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व हरियाणा प्लानिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष चौधरी रंजीत सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। शेखुपरिया पहुंचने से पहले युवाओं द्वारा चौधरी रंजीत सिंह का स्वागत किया गया और मोटरसाइकिल के काफिले के साथ उन्हें जनसभा स्थल तक ले जाया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। उन्होंने कहा कि लोगों का मोह भाजपा से भंग हो चुका है। भाजपा अपने अपना एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं कर पाई। उन्होंने इसी कड़ी में SYL के मुद्दे को लेकर के राजनीति कर रही इनेलो पर भी निशाना साधा। कहा इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जा चुका है और फैसले के अनुसार ही SYL का निर्माण होगा। और उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि हुड्डा व तंवर एक मंच पर आएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। एक रणनीति बच्चों में देखा, अभी चुनाव नहीं है, बिना चुनाव के आगे 200-200 मोटरसाइकिल चल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हर गांव में 15 गांव में, हम जो वो कहते हैं ना बूथ लेवल पे, हमारे ये हर गांव में 10-10, 15-15 बच्चे जवान एक्टिव वर्कर्स हमारे साथ तैयार हो रहे हैं। तो 10 गांव में जब ऐसे वर्कर तैयार थे, पुराने थे ही थे, तो मैं समझता हूँ कि एकदम टोटल बदलाव होगा। इस बात से कि कांग्रेस ने हमेशा भला करा है और ये इलाका हमारा अपना है। जब भी हम पावर में आए, इस इलाके का काम केवल हम ही ने करा है। पहले मैं 87 से 90 जब यहाँ था, 2500 लड़के नौकरी लगे हैं, तो बच्चे समझते हैं कि मैं काम कर सकूँगा। ये भी समझते हैं कि काम करने का तरीका आता है। और ये पक्का है कि कांग्रेस में बनने के बाद रंजीत सिंह को पूरी पावर्स मिलेंगी, तो लोगों को ये भी इस बात का भी बड़ा हौसला है। वो करते रहे, मैं ये समझता हूँ कि अब कुछ भी दे दें, कुछ भी कर लें, तो भी बीजेपी को वापस दोबारा हरियाणा में नहीं मिल सकता। केवल इनेलो को रोकने के लिए लोगों ने बीजेपी को पिछली बार वोट दा दिया। इनेलो का डर इतना था कि ये ना आ जाए, इस करके लोगों ने बीजेपी को बढ़ा दिया। कर रहे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, करने वाले भी जानते हैं कि कुछ नहीं होना। देखिए, जहाँ इतना मामला चल गया, इतने चौधरी लाल ने दरखत कटवा के डाल दिए सड़कों पे, सारा जाम कर दिया, पूरा हरियाणा वो रहा, और पंजाब में इतना कुछ हो लिया, इसके बाद भी नहीं हुआ, राजस्थान का पानी रुका है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया और अब ये होगा, इसे रुकता नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का करना। जैसे कावेरी विवाद था कर्नाटक और तमिलनाडु में हुआ, ये अपने तरीके से हो रहा है। इन्हें लोगों को पता है कि ये होना ही, इस तरह के वो कर रहे हैं, उनके धरने से उनके कई 800 आदमियों की, 1000 आदमियों की गिरफ्तारी दिला दें, उससे कुछ नहीं होता। कांग्रेस के लिए पॉलिटिकली हर आदमी, हर पार्टी करती है, उनका एक प्रोग्राम, और कोई प्रोग्राम है नहीं, इसी पर लगे हुए हैं। कांग्रेस के हुड्डा साहब की तरफ जन क्रांति यात्रा शुरू की जा रही है, लगातार चल रही है, फतेहवाल भी आने वाले समय में क्या करना चाहिए? पार्टी के प्रोग्राम है, कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तंवर साहब भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, और मेरी कोशिश है कि दोनों इकट्ठे होकर एक मंच से करें, इसमें भी मैं लग रहा हूँ जी, तो वो जरा और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। वो अपने अपने तरीके से लग रहे हैं, कांग्रेस है, कांग्रेस में सदा से चलता रहा, जो भजलाल जी करते थे, हुड्डा साहब, शमशेर सिंह सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह, तब वो अलग करा करते थे, ये चलते रहते हैं, सब कांग्रेस को मजबूत करने लगे। सर समय देखते हैं ना, हम कई बार कांग्रेस ही अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, पर हम चुनाव में तो एक ही रहते हैं ना।